हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं म्यूजिक कंट्री म्यूजिक अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ड्रम्स के पार्ट टू की। आज हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे ड्रम्स के अंदर, हम अपने जैसे सिंबल्स हो गए और कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे ड्रम्स फिर उनके बाद कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फ्री जूम सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे जो भी कोई आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हुए कोई दिक्कत आती है उन सब चीज़ों के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा फ्री जूम सेशन का, आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगी और स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाएंगी। तो अब हम इसके अंदर सिंबल्स ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्रैश ऐड करके देखूंगा इसके अंदर। तो क्रैश अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। सिंबल्स क्रैश, ये लिए ऐड करके देखते हैं। ये ज्यादा बेटर लग रही है उससे। इसकी टेल मैं थोड़ी शॉर्ट करूंगा, ज्यादा लंबी है। बेटर लग रही है, थोड़ी सी अगर लंबी करके देखें तो। अब मैं क्या करूँगा, इसका ये वाला पार्ट लेके इसको यहाँ ऐड करके इसको रिवर्स कर दूंगा ताकि एक ट्रांजेक्शन जो है वो क्रिएट हो, मतलब एक स्वीप अप आके फिर अपनी डाउन जा रही है इस टाइप से। सिंपल है, हमने कुछ ज़्यादा वो किया नहीं है। इसको थोड़ा फेड और करके देखते हैं। हाँ, बेटर लग गया पहले से। अब सुन के देखते हैं ट्रैक के साथ, थोड़ी आवाज में कम करूंगा। इसको यहां रख के देखते हैं, मे भी अच्छी लगे। और लग तो सही रही। थोड़ी वॉल्यूम गेन डाउन करूंगा। ये ट्रांजेक्शन ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले स्वाइप अप हुआ, फिर जो है डाउन, मतलब एक ब्रेक आ गया, फिर उसके बाद जो है अपने जो क्रैश है वो ड्रॉप हो रही है। अगर हम देखें तो इसको सोलो प्ले करके अब हाई हैट यूज ऐड करते हैं। मैं हाई हैट डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करता जैसे मैंने बाकी, मतलब जो बाकी जो ड्रम्स डायरेक्ट ड्रॉप करे हैं, मैं उसको मिडी फॉर्म के अंदर बनाता हूँ। मिडी फॉर्म इन द सेंस मैं मिडी इंसर्ट करके बनाता हूँ। वो कैसे करना है आपको, सिंपल है। पहले आपको एबल्टन के अंदर मिडी ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब हाई हैट हम पहले ढूंढ लेते हैं कौन सी हमें सिलेक्ट करनी है। ये वाली मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं पहले, अब ये वाली मेरे को हाई हैट मिडी फॉर्म के अंदर, मतलब अपने पियानो रोल के अंदर इंसर्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मिडी पे एक बार क्लिक करके डबल क्लिक कर दिया मैंने। अब ये हमारी मिडी के अंदर ऐड हो गई है जैसे आप देख सकते हैं।
अब मैं पियानो रोल इधर मतलब मिडी इंसर्ट कर लूँगा अपने। सिंपल मैंने क्या करा मिडी इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम जो है वो मैंने प्रेस किया है। अब हम बनाते हैं क्योंकि मैं मिडी के अंदर मतलब हाइट बनाना है इजी मेरे को लगता है। सिंपल अभी मैं बेसिक पैटर्न बना रहा हूँ। टू के हिसाब से मैंने कर लिया है। नैरो हाँ बेटर है। मैंने क्या किया है, मैंने लास्ट वाला जो मतलब जो हमने ये जो पैटर्न बनाया है इसी को डुप्लीकेट कर दिया है आगे। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम इनको नोट्स अप और डाउन करके भी देखते हैं। नोट्स अप डाउन में पिच बैंड करके देखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पिच बैंड के लिए हम सिंपली यहाँ जाएंगे और पिच बैंड हमारा पहले से ही सिलेक्टेड है। जहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा नोट्स मतलब जहाँ पे हमारे ज़्यादा नोट्स आ रहे हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ ये वाला पोर्शन हो गया ठीक है, और ये वाला पोर्शन हो गया, तो हम यहाँ पे पिच बैंड में करके देखता हूँ शायद अच्छा लगे। डाउन करके देखता हूँ। अच्छा लगा। अब कर ऊपर भी अच्छा लग रहा। एक काम करते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर हम डाउन कर लेते हैं और इस वाले के अंदर अप कर लेंगे। तो इधर डाउन ही कर देते हैं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं डाउन और अप।
इधर अप कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब जहाँ पे हमने ये करी है अपनी पिच बैंड की ऑटोमेशन करी है, वो यहीं पे मैं ऑटो पैनिंग भी कर दूँगा, ताकि जहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा नोट्स मतलब ज़्यादा नोट्स जो आ रहे हैं वो ऑटो पैन होके आएँ। तो मैं ऑटो पैन इसके अंदर ऐड कर लूँगा। तो ऑटो पैन मैंने ऐड कर लिया है, सिंपली पहले तो इसका अमाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें पूरे पे नहीं करना है, अमाउंट एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना बेटर है। अब मैं ऑटो पैन इसका को ना तो कोई अमाउंट करूँगा ना कोई रेट रेशो करूँगा, मैं इसको ऑन ऑफ क्या नाम है ऑटो पैन करूँगा, मतलब जो इसका जो ऑन ऑफ का जो बटन है इसको मैं ऑटो पैन करूँगा, ताकि जब वो वाला हमारा सेक्शन है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, हमें पूरे पे अप्लाई नहीं करना है। डुप्लीकेट कर दूंगा मैं इसको, तो ऑटोमेटिक जो हमारी जो हमने जो ऑटोमेशन करी है अगर हम डुप्लीकेट कर देते हैं तो वो भी हमारी नेक्स्ट पोर्शन के अंदर डुप्लीकेट हो जाती है। तो अब सुन के देखते हैं हम। तो आप भी अपने ड्रम्स के साथ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने हाई-हैट्स जो बनाई है वो मैंने अपने हिसाब से मतलब ड्रम्स का रेफरेंस लेके बनाई है, बट काफ़ी बार क्या होता है कि वोकल्स के हिसाब से जो है वो हाई-हैट मैच नहीं करती हैं, तो आप मतलब देख के बनाना कि वोकल्स के हिसाब से और ड्रम्स के हिसाब से दोनों के साथ साउंड अच्छा करे हमारा पैटर्न जो भी हम जो बना रहे हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, 808 हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि 808 एक अलग टॉपिक है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैंने एक और ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है जूम फ्री सेशन का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।